हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीरो जोन। गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे हम लोगों की पहल वर्ल्ड मोबाइल, वरना हम लोग है भाई वही भयंकर पोकेमोन की दीवानगी से भरी गेम हम लोगों की मॉन्स्टर लेजेंड्स। और भाई आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से बताया था कि आज हम लोग मेज आइलैंड का जो भाई डंजन इवेंट है वो खेलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके थ्रू मिलने वाले हैं डंजन कॉइंस, जिसके थ्रू आप लोगों को भाई बहुत ही भयंकर भयंकर पोकेमोन्स मिल जाते हैं। हम लोगों को हमारा जो काउरी था भाई वो वहीं से ही मिला था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई काउरी का लेवल किस लेवल का था, आप लोगों को याद ही होगा भाई। तो इस तरीके से आज हम लोग खेलने वाले हमारा मेज कॉइन डंजन, मजा आने वाला है बॉयज। आप लोग अभी से भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई यहाँ पर पहला बैटल ही लेवल 65 का होने वाला है, यानी कि दिक्कतें जो हैं भाई वो बढ़ सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं तो यहाँ पर अपने अच्छे से अच्छे पोकेमोन लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रूल दे रखा है कि आपके तीन पोकेमोन्स डार्क मेटल और मैजिक टाइप के ही हो सकते हैं। तो आए गाइस शुरुआत करते हैं हम लोगों के बैटल की, देखते हैं किसमें कितना है दम। बढ़िया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक मिथिकल पोकेमोन है तो हमारे लिए गेम थोड़ी सी इजी हो रही है, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हम लोगों की भले ही यहाँ पर लेवल 63 या 65 से हो रही है, पर ये एंडिंग जाते जाते 73 या 76 तक जाने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि भाई 70-80 लेवल का कोई पोकेमोन, भले ही आपके सामने मिथिकल पोकेमोन हो, तब भी एक हमले में मरेगा। राड़ी वाले चाचा का अच्छा सा रिवॉर्ड देते, सुबह सुबह मेरा मूड बना दे। वैसे सुबह तो नहीं, रात ही हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, रिवॉर्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आए दोस्तों आगे बढ़े, धीरे धीरे एक एक कदम हम लोगों को फूक फूक के रखना है, प्लस अपने पोकेमोन्स को यहाँ पर अपग्रेड कर लेवल 70 तक ले जाने का सपना भी हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा, वरना भाई ये पिट सकते हैं बहुत बुरा। हो चुका है लेवल 60 का भाई, 70 तक ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको भी हम लोग खिला देते हैं यहाँ पर पावर, अभी तो चलो हम लोग रैंडमली ले लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे इनकी स्किल्स भी चेंज करूँगा, क्योंकि उसकी नेसेसरी पड़ जाएगी हम लोग को नीड। यहाँ तो लाल पड़ रहा, सब कुछ लाल पड़ रहा भाई, लाल है पूरा ठेला लाल है भाई। चलिए भाई हम लोग यहाँ पर चंडाल चढ़ाने तैयार है, खिलाते चले पोकेमोन को अपने, विकसित करते चले। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लेवल 65 का हो चुका है, इसको भी करा जाए। आई गेस 70 रहने देते, 65 पे हम लोग चलते हैं एक बार। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि भाई मुझे लगता है कि भाई 65 से भी काम नहीं चल रहा, तो बेटे 70 पे घुस जाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे दो धुरंधर हो चुके हैं 65 और 70 के। लेकिन एक मिनट यार, मेरा मुझे लगता है कि ये हम लोगों को पोकेमोन का डेक चेंज करना पड़ेगा। जो पहले चेंज कर लेता हूँ एक बार, आ जाओ, अब आएगा असली मजा, क्योंकि हमारे धुरंधर तैयार है भाई अपग्रेडेशन के साथ। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। दोस्तों कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, बता रहा हूं मैं, मार साले के फुटबॉल भाई टांड पे इसके बाद। बढ़िया पट्ट से हेडशॉट दिया, और अब हमारी चंडाल चुड़ैलनी बहुत ही भयंकर हमला करेगी। भाई साहब कौओं की रानी है ये, दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। भाई साहब डर जाएंगे आप, मतलब आपने कभी जिंदगी में अपने इतने काओ काओ सुना नहीं होगा जितना यहाँ पे करने वाली है ये। 2.45K, क्या इसे भाई, ड्रैगन भी तो है सामने। मारी झाड़ू, सफाई वाली झाड़ू ही देखे मारी, लेकिन हमारे पास इच्छा भाई आइस गोडजिल्ला भी है। साले क्या तीनों के मार रहा है, वह जला दिए कच्चे वह मेरे मेटल पोकेमोन के धोती में आग लगा दी। लेकिन हमने यहाँ पर बूढ़े दादाजी को स्वर्ग का रास्ता दिखाया भाई, मैं दद्दू लेकिन शेर दहाड़ रहा है। वैसे तो भाई रे रे भाई, वो है नहीं नहीं बदतमीजी नहीं, अबे आइस गोडजिल्ला क्या मार रहा है, अबे क्या मार रहा है बे, मार दिया मेरा लौंडा। साले शर्म नहीं आती तेरी बहन की। दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई हम लोगों को अपना मिथिकल पोकेमोन हटाना नहीं चाहिए था, हमने गलती कर दी यहाँ पर। लेकिन आप लोग जानते हैं हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे भाई। पट से हेडशॉट भाई, मेरा दिल के अंदर ऐसी आग से उठ रही है कि कम से कम इनमें से मैं एक पोकेमोन को तो मार ही दूं भाई, तो मैं कम से कम एक को तो मार के जाऊंगा। कौवा उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह च खंड पावा। ओ आइस गोडजिल्ला गुस्से में आ रहा है, मम्मी डर लगा मेरी छाती में बर्फ, बर्फ की भाई बर्फ की सिल्ली घुसेर दी मेरी छाती में। ड्रैगन बनने वाला, ड्रैगन बनने वाला है, ड्रैगन मर जा साले। बनी फैक्ट, अरे यार
भाई फायर टाइप के जो पोकेमॉन्स है ना, इनका जो बर्निंग इफेक्ट होता है भाई, वो बहुत कुत्ती चीज है भाई। पता सीन क्या है, आप मार के छोड़ दोगे और आपकी टर्न भी नहीं होगी ना, तभी भाई बर्निंग इफेक्ट काम करता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि फायर टाइप पोकेमॉन्स की ना ये एक सुप्रीमेसी रहती है कि भाई वो बर्निंग इफेक्ट दे देते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई बात नहीं, इस बार इसने करी है हमारे अंदर उंगली, तो वैसा इसकी उंगली तोड़ दूंगा। हमारे अंदर उंगली तोड़ेगा, इतना बड़ा हो गया। अब हो गया लेवल 70 का ये, ठीक है हो गया ना। अब दूसरा पोकेमॉन लूंगा हमारा, मैं उसको भी करूंगा लेवल 70 का। खिलाओ और रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी मैं स्किल्स भी चेंज करूंगा। शैतानी ज़िनोमॉर्फ, आ जाओ दोस्तों, स्किल चेंज कर ली गई है, अब दिखाते हैं किसमें कितना है दम। बॉयज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले और ये ले। हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है, बाप से लोगे पंगा बेटा, आज ही कर दूंगा, बीच बाजार में नंगा पट तेरी था। अरे लठमा डाकू यही था। अब बचे बस यहाँ पे दद्दू लो दंत मंजन। बाय बाय गाइस, हमने गेम का यहाँ पर खत्म, टाटा गुड बाय। गया दाढ़ी वाले चाचा, क्या हाल है, आज तो नहा धो के लग रहा है, एकदम नए कपड़े पहन रखे तूने, बहुत बढ़िया, ऐसी रहा कर साफ सुथरा। क्लेम करते हैं रिवॉर्ड को भाई, अगला बैटल हम लोगों का लेवल 65 का बैटल, चले मार धक्का साले को। आ जाओ धुरंधरो, देखते किसमें कितना आया था। फवारों में होती है बहुत ही जान, दुश्मन की मार सकते हैं आप आज। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम लोग ना भाई थोड़ा सी एक नई चीज करते हैं, आप लोग कमेंट्स के अंदर भाई शायरी भी लिखिए, मजा आ जाएगा, मतलब मैं भाई बकायदा पढ़ूंगा। और बताओ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, तो ऐसा मैं यहाँ पर लाइक और रिप्लाई भी करूंगा अगर आप लोग एक बढ़िया सी शायरी लिखेंगे तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं भी गेम प्ले के दौरान भाई बीच के अंदर भाई यहाँ पर शायरी पेलता रहता हूँ, तो भाई इसका अपना मजा आता है। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट बैटल हम लोगों का डंजन मेस कॉइंस का चौथा बैटल, कमड़ा बड़ा पेश किया जाए भाई। अबे इतना बड़ा भालू बर्फ का, और साथ में भाई साहब एमसी बॉस भी आया हुआ है, एमसी बॉस है तो भाई मादर कुछ नहीं मैं कह रहा था मादर लवर पोकेमॉन है भाई। मरता लेके 15.4 के का डैमेज दिया, खत्म करी इसकी कहानी, पर्ची काटी मिनट में। दाढ़ी वाले चाचा एक अच्छा सा रिवॉर्ड दे दे, वरना ये उंगली दही नाक पे दे दो। मेरी उंगली गंदी हो जाएगी आची। कोई नहीं, अगला बैटल हम लोग का भाई लेवल 65 का, भाई साहब इसने तो भाई मुट्ठी बना रखी है बहुत भयंकर। ओ अबे कौन सी आर्मी का योद्धा है तीनों, बट बेटे मेरे पास मिथिकल बॉक्स है, मैंने तुम्हारी बहन की, डरते हैं कि तुम्हारी जियान का सुनिए मारू ना मारे, कर दो गुद्दी लाल। 15.4 का नशीला अटैक भाई, नशीला पट तेरी टटे। पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ कि भाई डंजन के अंदर ना एक हमने मतलब स्क्वाड को मारा अपोनेंट की, और उसके बाद बाय चांस कोई सेकंड स्क्वाड पीछे से आ गई, मतलब दो वेव्स आ गए, अगर भाई तब पंगा हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं डर नहीं सकते भाई हम लोग। आ जाओ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, मिथिकल पोकेमॉन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। और अब यहाँ पर मारते हैं गंदे मुंह वाले तेरी छिपकली के भतीजे, आंख दिखाता है। अब लास्ट में बचा हुआ ये इंसान रूपी दानव, इसको तो भाई साहब कौए मार के मारेंगे, कौए। मैंने बोला था ना कौओं की रानी है बेटा ये। दाढ़ी वाले चाचा क्या हाल है, आज तो लगता है जिम विम करके आ रहा, तकड़ा लग रहा है सनी पाजे की तरह। क्लेम करते हम लोग यहाँ पर रिवॉर्ड को, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बॉयज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले। आ जाए आप देखते क्या सीन होता है, देख रहे हो आप, देखो अब हमारे मिथिकल पोकेमॉन के अटैक से तीनों मर नहीं रहे, देख रहे एक बारी में नहीं मर रहे, अब सिर्फ हम लोग दो ही मार पा रहे हैं, तीसरा बच रहा है, यानी कि लास्ट बैटल तक पहुंचते पहुंचते ऐसा होगा कि हम लोग शायद एक को भी पूरा मार नहीं पाएंगे, मतलब काफी हाई चांसेस है इसके यहाँ पर। अब बचाए बस इनका ये कुल्हाड़ी तलवार वाला, देखते क्या मारता है यहाँ पर, कौए फेंकते हैं इसके सारे के सारे आज। कौओं ने किया काव काव, ले ली इसकी ड्याव ड्याव, कंट्रोल सीनो कंट्रोल। चलिए भाई घुमाते हैं चरखा, यहाँ पे देते हैं बढ़िया सा रिवॉर्ड, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को आज।
10,000 गोल्ड बार्स। और भाई भाई अम्बानी मेरे जब हाथों से हाथ मिलाएगा, मेरे भाई हाथों से हाथ मिलाएगा। टाटा। तो ये आई एस बस स्क्वाड, कोई बात नहीं, डरते हैं क्या? तो मिथिकल पोकेमोन का होता है सात, भाई डरने की क्या है बात, तेरी इधर तेरे बिल्ले का सीसी मारू मारू। तीन धुरंधर हम लोगों के एकदम तैयार, और सामने भाई साहब कुत्ता कुत्ता बंदूक में कुत्ते पैके पाले जी खा ले, बंदूक लेके खड़ा हुआ है भाई, शर्म नहीं आती है ना माने। डंडा का मेरा चप्पल का दिया, मेरी कुत्ते आगे दिखा रहे हैं आजकल भाई। इसके मैं चाहता हूँ इसके तो कौए ऐसे फेंक के मारे, इसके इसके आर्मर में छेद हो जाए। भाई ये कौए वाला अटैक जो है ना भाई बहुत भयंकर है, मैं सही बता रहा हूँ। आइए गाइस घुमाते हैं हम लोग यहाँ पे हमारी पवन चक्की को, देखते हैं हम लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलता है इस बार। नाइस भाई ये रियूंस, और आप लोगों के भाई ये काफी पॉक्स वगैरह काफी काम आते हैं गेम के अंदर, बहुत ज्यादा ही काम आते हैं भाई। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज भी वैसे हम लोग को टेक्निकली एक अंडा तोड़ना चाहिए था, तो देखता हूँ अगर मन हुआ तो हम लोग यहाँ पे एक अंडा तोड़ लेंगे। मैंने भाई हम लोगों का आज का ये स्पेशल वीडियो तो भाई डंजन के ऊपर था, क्योंकि भाई मेस कॉइंस इवेंट मैं बता रहा हूँ जब से मैंने गेम खेलने शुरू करी भाई मेरे सामने पहली बार आया, तो भाई मैं इसको मिस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली कि भाई हम लोगों को मेस आइलैंड में से एक कावरी मिला था, तो मेस आइलैंड में जो पोकेमोन्स मिलते हैं भाई वो काफी बढ़िया होते हैं मेरे हिसाब से तो। नाइस जॉर्ड बोलते बढ़िया। आइए घुमाते हैं इस लट्टू को, बड़ा बेवलेट बड़ा बेवलेट। 1,000 खाना मिल चुका है, और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन होगा फाइनल बॉस, क्या हम लोग इससे जीत पाएंगे? अबे क्या है ये, अबे कौन से एलियन हो सालो? अबे भाई एक बैल है, एक भैंस है, एक बिच्छू है, अबे कौन कौन आ गया तुम्हारी बैंड का नमन तेरी तो, कौन कौन से ग्रह से उठ के आ रहे हो? बे हो कौन तुम? मैं ही इनको पहली बार देख रहा हूं। अब बस ये लास्ट बचा हुआ भाई साहब, बहुत ही भारी बॉल लेके आया हुआ है, लेकिन हमारे पास ही बैठा यहाँ पे कौए हैं, एक छोड़ कौओं का हमला, मर जा बर्निंग इफेक्ट बोलते, देख रहे हो उसकी हेल्थ बची हुई थी लेकिन भाई बर्निंग इफेक्ट से मर जाते हैं। क्या मिलेगा बॉयस? खाना सही है। और इतने बड़े साइज का ड्रैगन, अरे भाई भाई भाई, अरे तेरी रिफिल करो डायमंड्स, अबे अंधा पैसा डरते हैं क्या, रिफिल करो स्कीम एंड की। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी ने चप्पल उठा लिया मारने के लिए, है मम्मी रख दो रख दो सॉरी। आ जाए आ भाई, हम लोग यहाँ पे भाई एक बहुत ही शानदार हमला करते हैं डंडे के साथ, 9.27 के का हमला दिया, लेकिन भाई बॉडी बिल्डर को, अबे बंदर भी बॉडी बिल्डर, नीचे गुलाबी गैंग में, अबे सुअर सुअर भी बॉडी बिल्डर बन रहे हैं आजकल। सुअर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सनी पाजी से गुट मार दो आकर, अरे सनी पाजी गुट मार दो, क्या मार रहे हो? अरे यार सनी पाजी सुधरते नहीं है, कोई बात नहीं भाई हमने यहाँ पे सोलो पेड़ दिया है। राड़ी वाले चाचा एक बार यहाँ से रिवॉर्ड दे दे। नाइस 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 भाई, ये चीज भी आप लोगों को मिलते हैं ना एक्स्ट्रा भाई पॉक्स और यूज, भाई ये बहुत ज्यादा ही क्रूशियल होते हैं। हालांकि हमने अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे तीन ही पोकेमोन्स के अंदर लगाए, लेकिन भाई धीरे धीरे हम यहाँ पे सब पे भी लगा देंगे, तो और ज्यादा फायदा हम लोगों को पहुंचने वाला है। लेकिन तब तक के लिए गाइस समझ रहा, इनको लपेट तो ले, ऐसे मोटे मोटे गेंडे जैसे सगल के आ रहे हैं, वे तुम्हारे नहाते भी हो तो नहीं नहाते हैं मारा ढंडा सालों के, गंदे गंदे बने घूम रहे हैं, ये तो एलियन है ऊपर से भाई, पता नहीं कैसे कैसे हथियार लेके आ रहे हैं, कल से दिख मत जाइयो। लास्ट बचा हुआ ये बहुत ही मोटा हिप्पोपोटामस के चाचा के फूफे के मौसे का बेटे के भतीजा, क्या तेरी बॉयस, इसे ही कहते हैं ना धमाके, घुमाओ पवन चक्की। मुझे देखना है कि हम लोगों के पास लास्ट में कितने मेज कॉइंस इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर। आए भाई खुद देखो नीचे, देखो आप लोग भाई 150-215 मेज कॉइंस, मतलब अगर हम लोग पूरा हिसाब लगाए ना तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पास कम से कम यहाँ पे 2,000 से 2,500 मेज कॉइंस इकट्ठे हो जाएंगे सिर्फ इस एक इवेंट के थ्रू, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेज कॉइंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भाई बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कभी आप लोगों को मिथिकल पोकेमोन्स के सेल्सियो यहीं वहीं से मिल जाते हैं एकदम फ्री में बिना किसी मेहनत के वो भी, तो मेज कॉइंस गेम में आप लोग कलेक्ट करें, और प्लस मेज कॉइंस आप लोगों को बहुत जगहों से मिलते हैं, और मैं जानता हूँ कि मुझे वैसे तो यहाँ पर भाई थ्योरी वीडियोस आप लोगों के लिए लानी है, तो वो भी आएंगी, टेंशन मत लो।
एक एक चीज गेम की भाई इतने प्यार से समझाऊंगा कि आप मतलब स्क्रीन से आगे पप्पी कर लोगे जिन्होंने भाई अपने ज्यादा हो गया ये तो कोई बात हम लोग घुमाते हैं हमारे स्पैये को देखते हैं भाई कुछ बढ़िया सा करारा रिवॉर्ड मिल जाता था हल्के हल्के रिवॉर्ड दे रहा है लगता है दस्त हो गए आज फाइनल बॉस आ गया साला बॉयज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चले डर लग रहा कोई बात नहीं कोई डरेगा नहीं कोई डरेगा नहीं भाई साहब हमने भी बचपन में बेटा बॉन बेटा के साथ कंप्लेंट मिक्स करके दिया हुआ है पहले मारते हैं इस गंदे मुंह वाले को मारते हैं अबे मेंढक के भतीजे यार के उल्टे हाथ क्या गलत किया लेकिन अब मारते हैं इसको चुटिया वाली आंटी को अब बचा है बस यहाँ पे अजीब सा बहुत गंदा लग रहा है देखने में तो भाई सब तेरे क्या मारूं मैं तेरे कौवे मार सकते हैं हम लोग 6.24 भाई डायरेक्टली मर नहीं रहा है यहाँ पर भाई वही मारना पड़ेगा उड़ जा काले कावा इसके बाहर घुस जा बहुत बढ़िया और लास्ट में हम लोग का भाई ये मेटल का धुरंधर ये फटेगा और दुश्मन की फाड़ देगा नाइस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए फाइनल बॉस बैटल के कोई डर तो नहीं रहा ना कोई डर तो नहीं रहा भाई बता दो क्योंकि भाई ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि आपका सीनो भाई डर रहा है तो ऐसा है नहीं कंट्रोल जीरो कंट्रोल डरने का नहीं ओ ये कौन है बे अबे ऐसी ऐसी नई नई सूट तो देखने को मिल रही है ना वैसे भाई गेम के अंदर यहाँ पे पोकेमॉन्स बहुत सारे हैं प्लस अपडेट्स भाई डेवलपर्स इस गेम के लाते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि गेम ऐसी है लोग मतलब ऐसी एडिक्टिव मतलब बहुत एडिक्टिव गेम है भाई बहुत ज़्यादा मतलब इसको मैं घंटों घंटों देख सकता हूँ ऐसी गेम है खेला छोड़ दो मैं कह रहा हूँ मैं देख ही घंटों घंटों सकता हूँ मतलब आराम से एकदम कुछ सोचो बैटल चलता बढ़िया भाई आप लोगों को मिल रही है हर एक पोकेमॉन की पावर मस्त अपना भाई खाने पीने का आइटम लेके बैठे भाई फोन पे या लैपटॉप पे और भाई मजे ही मजे इसकी बहन की और छोड़ का हुए कबीले वाली आंटी कहाँ आ गई कौवे छोड़ दूंगा सामने के घुटना मार दूंगा बट दोस्तों हो सकता है कि हम लोगों का ये आखिरी बार पहिया घुमाना हो क्योंकि लास्ट बैटल आने वाला है आएगा 16th बैटल सेकंड लास्ट बैटल आ जाओ अबे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू मुन्ना है मेरा मुन्ना अगर तू मुन्ना है बेटा तो पहले तो मैं मारूंगा इसको ये जल्दी मर रहा है वैसे ओ एक मिनट पहले मैं नोटिफिकेशन हट जा यार यार मेज इवेंट चल रहा है तेको पता है तेरे कितना इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है ये मेरे दिल के कितने करीब है आ जाओ देखते क्या मारता है अबे इनकी तो रिचार्ज ही नहीं बचता भाई अब भाई हमारा पोकेमोन का हमला ही ऐसा है तक क्या ही कीजिए ये मार झाड़ू सारे के तेरी तो भाई साहब एक हफ्ते पुरानी सफाई की गंदी झाड़ू थी वो इसके मुंह पर रगड़ दी मैंने शैतानी जीनो मॉडिजानी विक्रांत गबरात 8.31k का डैमेज इसका स्टैमिना चूस लूं क्या ढंडे डाल दूं क्या मेरे भाई आ जाए एक और मर साले के मरा नहीं मरा अबे यार तो मर के ही नहीं दे रहा वैसे इसका स्टैमिना बचा नहीं तो मार तुमको एक घंटा नहीं सकता यानी कि एंडिंग तो हम ये करेंगे कौवे या फिर झाड़ू मार मार के तेरी तो आ जाओ दोस्तों घुमाते हैं आखिरी बार हमारे इस पहिये को दाढ़ी वाले चाचा आखिरी बार एक बढ़िया सा रिवॉर्ड दे बना एक गुट तेरे मार दूंगा और क्या दे रहा है बहुत बढ़िया पुच्ची ले ले तो गाइस यहाँ पे अब समय आ चुका है फाइनल बैटल का अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मैं तो कह रहा अपना सब कुछ पकड़ लीजिए अरे सनी क्या होगा आ जाओ देखते हैं भाई देखते हैं अबे कितनी हेल्थ है उसकी पर मिथिकल पोकेमोन के अटैक से भी उसकी हेल्थ इतनी सी गई है साले क्या खा के आए तेरी तो अबे मेरे मिथिकल पोकेमोन उसकी हेल्थ कम नहीं कर पा रहा यार दोस्तों कहीं अपने बर्निंग स्क्वाड अब दोस्तों होगा महा मुकाबला इसकी तलवार के अंदर आग लग रही है भाई साहब इसने अभी तलवार मेरे कहीं आर्मर में घुसेड़ दी मेरे आर्मर की कहीं क्या कहा मम्मी नया कहा सुनूंगा बजट मेरा डाउन चल रहा है नाइस तिगुना के ओकेन कोई डरेगा नहीं पूरी शक्ति से हमला करता हूँ साले के बेटा अगर तू मोटा आर्मर पहन के आया और सोच रहा है मुझसे बच जाएगा ऐसा मैं और लाई दूंगा यह धरती मेरी माँ है तो मैं कब कहता रहा बाप है आ जाओ 9.27k 15.4k 10.515 वाला मारा जा सारे के भाई दमदार तो है लोंडा एचपी इसकी बहुत तकड़ी है मैं मोटेगी एचपी बहुत तकड़ी है मिथिल पोकेमॉन नहीं मार पा रहा उसे
पर कोई बात नहीं, इसको बेटा मैं फाड़ फाड़ के मारूंगा। हम लोग देंगे 7.56 फटा जलाए कच्चा आ रहा है जी साले मोटे के। मैं मोटू इतना मोटा आर्मर पहन के आया तो जो इतना लोहा दिया किसने बता देगा कि लोहे के रेट क्या चल रहे हैं आजकल। 10.8 के 15.4 का फटका मारा देखे वो तो टल लॉस्ट हो गई ना बेटे, यही तो मैं चाहता हूँ। वो तो अच्छा है कि हमारे वाले पोकेमोन जो है भाई इसकी एक पावर ऐसी की है टर्न लॉस करवा देता है दुश्मन को मारने के बाद, वरना भाई हम लोगों के बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन आप लोग जानते हैं एंडिंग तो हम ही करेंगे बॉन्ड्रा के साथ। हमसे ले रहा था पंगा, भूल गया था मेरी शक्तियों को, नाम है मेरा जीनो बेटे, फोड़ देता हूँ मैं मिलके तीनों की। बहुत बढ़िया, इसे ही कहते हैं धुरंधर मुकाबले, असली मर्दों वाले, असली बब्बर शेर वाले मुकाबले। बॉयस कंप्लीट किया आपके जीनो भाई साहब, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मेरे भाई जो बोला वो करा भाई, जो बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। काफी गहरी बात हो जाती है। सो बॉयज आई होप आप लोगों को मजा आएगा इस डंजन इवेंट के अंदर। भाई सो क्या ही बैटल चली गए भाई, और लास्ट वाला बैटल तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट था, मजा आ गया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। मेक श्योर करें आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग की जीनो फैमिली को ज्वाइन करें, हम लोग की जीनो आर्मी के मेंबर बने। ऐसे मजे करने के लिए भाई ऐसे ऐसे पोकेमॉन्स दिखा दिए कि क्या ही कहने। आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट, एवरीबॉडी ऑन द फेस शिट, आई लुक अराउंड एंड फील लाइक एवरीबॉडी इज द फेकेस्ट, आई मेक दिस एवरी डे एंड आई एम इंपेशेंट होपिंग वन डे आई ब्लो अप फ्रॉम द बेसमेंट स्टेटमेंट द टॉप इज सो वेकिंग आउट ऑफ